अरे कौन है? उनके बच्चे, तुझे दिखाई नहीं दे, अंधा है क्या तू? मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैं तो यहाँ पर पेशाब करने आया था। पेशाब के बच्चे, ये पेशाब करने की जगह है? अरे बहन जी आप गलत समझ रही हैं, मुझे तो उन भैया ने बोला था कि ये पेशाब करने की जगह है। तुम जैसे लोगों को ना बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, अंधे होने का फायदा उठाते हो, अकेली लड़की देखी नहीं वहीं आके मौका उठाना चालू कर देते हो। अरे बहन जी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे दिखता नहीं है। चल जाए यहाँ से। अबे रुक, तूने मेरे पैसे चोरी कर लिए ना? अरे नहीं बहन जी, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने आपके पैसे नहीं चुराए हैं। अभी क्या तू मेरे पास आया था? मेरे पर्स में मेरे पैसे रखे थे, तूने चोरी किए, दिखा। अरे नहीं, अरे मैंने नहीं चुराए पैसे किसी के। इसका मतलब तूने मेरे पैसे किसी और को दिलवा दिए, तू चोर है, तुझे तो मैं पुलिस के पास लेके चलूंगी। चल तो मेरे पास। अरे बहन जी मैंने नहीं चुराए पैसे। तुझे तो मैं पुलिस के हवाले करती हूँ। अरे मैडम प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो मैडम, मुझे माफ कर दो। रुको मैडम, चोरी इसने नहीं इन दोनों ने करी है, ये तो बेचारा सच में अंधा है। भैया आपको पता भी है ये ना अंधा होने का दिखावा कर रहा है, और ये अभी आया था मेरे पास और इसने ना मेरे सामने पैंट खोली और टॉयलेट का बहाना लगाकर मेरे पैसे चोरी करवा दिए। ये बहुत बड़ा चोर है और अंधा होने का दिखावा कर रहा है। मैं बताता हूँ क्या हुआ था। जयस भाई वो देखो कितने सारे पैसे। हाँ यार कितने सारे पैसे हैं यार, हमें पैसों की बहुत जरूरत है और हम कुछ करते भी नहीं है, पर यार ये सारे पैसे हमारे कैसे होंगे, हमें कुछ तरीका सोचना पड़ेगा। अबे हाँ यार वो चीज तो है, वो तो करनी ही है। वो देख तरीका सोचने की जरूरत ही नहीं है, तरीका खुद चल के आ रहा है। कोई है? हाँ भैया हमें, इधर इधर। अबे रुक मैं तो उसे दो मिनट बात करता हूँ, ठीक है? भैया मेरी एक सहायता कर दो, मुझे टॉयलेट करने जाना है। अच्छा तो आपको वॉशरूम जाना है, तो आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा राइट मुड़िए, थोड़ा सा और, परफेक्ट भैया परफेक्ट। अब ऐसा करिए 10 कदम चलना, वहीं पर वॉशरूम है। धन्यवाद भैया। 1 2 3 अब आएगा मजा, ये वहां जाकर अपनी चैन खुलेगा, फिर शुरू हुआ ड्रामा। फिर वहां ना एक काम करिए तू, वहां जाकर उसके बैग में से पैसे निकाल लियो, ठीक है? फिर सारे पैसे हमारे। चलो चलते हैं। मैं ना तुम जैसे लोगों को, सॉरी भैया मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था इन लोगों ने पैसे निकाल लिए, सॉरी भैया। आपकी भी कोई गलती नहीं है, आपकी जगह पे कोई और भी होता ना तो वो भी यही करता। अच्छा भैया आप आ गए, अगर आप नहीं आते तो ये मैडम तो मुझे जेल ही करा देती, क्योंकि ये मेरी बात मान ही नहीं रही थी। अब टेंशन मत लो भैया, इनको तो मैं जेल ले जा रहा हूँ, चलो जेल। भैया सॉरी, उस टाइम पर सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी, अगर मेरी जगह आपकी बहन भी होती ना तो वो भी यही करती। प्लीज़ भैया ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम रियली सॉरी भैया। कोई बात नहीं,